दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टॉप फाइव जो है स्मार्टफोन, बजट स्मार्टफोन 15,000 की रेंज के अंदर आप हमारे जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल में जो आने वाले, अप्रैल 2019 में जो आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन हैं उनके बारे में कि कौन कौन से स्मार्टफोन अप्रैल में आ सकते हैं। यदि आप कोई नया मोबाइल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, हो सकता है आप जो है सही मोबाइल चुन पाएं अपने लिए। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जो बेसब्री से जिस फ़ोन का इंतज़ार किया जा रहा है वो फ़ोन है भैया रियलमी 3 प्रो। जी हाँ, ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकता है। इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर रूमर है कि इसके बारे में इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और पॉपअप सेल्फी कैमरा इसके अंदर देखने को मिल सकता है 32 मेगापिक्सल तक का। बाकी देखते हैं आगे फ्यूचर में हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। और यदि बात करें सेकंड की तो भैया ओप्पो की तरफ से जो है एक नया लाइनअप आने वाला है। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से फ़ोन हमें देखने को मिल सकते हैं। ओप्पो रेनो का जो है ये एक लाइनअप आने वाला है। इसके अंदर हमें जो है पहली बार टिल्ट डिज़ाइन के अंदर जो है इसे के अंदर हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा टिल्ट डिज़ाइन के अंदर। इसके अंदर प्रोसेसर हमें स्नैपड्रैगन 710 और स्नैपड्रैगन 855 दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है इसके अंदर हमें 10x जूम का भी ऑप्शन देखने को मिले। बात करते हैं भैया अगले फ़ोन की तो अगला फ़ोन आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी 7। जी हाँ, ये जो है 7 से 8 हज़ार की रेंज का एक फ़ोन हो सकता है। और बस इतना ही। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग जो है अप्रैल में अपने कई फ़ोन लॉन्च कर सकता है, जैसे कि सैमसंग गलेक्सी A40, A60, A90 और A70। A70 को लेके कुछ लीक सामने आए हैं जो आप चेक कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला जो फ़ोन है वो आ सकते हैं नोकिया का जो है नोकिया 9, हमें इंडिया के अंदर अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकता है। तो जो नोकिया के फ़ोन है वो अप्रैल का इंतजार कर सकते हैं नोकिया के नोकिया 9 फोन का। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया बड़े ही कमाल का, नूबिया रेड मैजिक मार्च को लेके। तो भैया इस फोन के अंदर जो है एक गेमिंग फोन होने वाला है, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, फ्लैगशिप प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल पाएगा, 10 GB रैम 12 GB रैम के वेरियंट हमें इसके अंदर मिल पाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी हम आपको बता दें। जी हाँ, पोको का पोको F2 आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है अप्रैल लास्ट तक। और आपको जो है Xiaomi का ब्लैक शार्क 2 आपको फ़ोन देखने को मिल सकता है अप्रैल के महीने में। और यदि Xiaomi ब्लैक शार्क 2 की बात करें तो ये पहला फ़ोन है जिसके अंदर लिक्विड कूलिंग वर्जन 3 का यूज़ किया गया है, तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त गेमिंग फ़ोन हो सकता है। और यदि अगले फ़ोन की बात करें तो अगला फ़ोन भैया, हाँ आप सभी ने सुना होगा, Vivo IQOO जो है फ़ोन हमें देखने को मिल सकता है अप्रैल के महीने में। वैसे ये जो है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर जो है हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर देखने को मिलेगा, 40 वाट की चार्जिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी और स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके उतना। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और हमारा टारगेट है, आप हमें मदद कीजिए इस वीक में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। धन्यवाद।